मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अपने पिता लालू प्रसाद यादव से प्रेरणा लेते हुए तेज प्रताप यादव लोगों के बीच इस कदर काम कर रहे हैं जिससे वह चर्चा में हैं। तेज प्रताप यादव के एक वीडियो से बिहार में आ गया सियासी तूफान। देखकर लोगों ने कहा तेजू भैया ने तो गदर मचा दिया। तेज प्रताप यादव हमेशा वही करते हैं जो चाहते हैं। नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन तेज प्रताप यादव खुद को किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। तेज प्रताप ने इस बार भी कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से बिहार में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो के देखने के बाद तो कुछ लोग अब कह रहे हैं कि तेजू भैया को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार को भी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आखिर वो करे तो अब क्या करे। नई सरकार बनने के बाद बिहार में क्या हो रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव की हो रही है। मंत्री बनने के बाद से ही तेज प्रताप यादव एक्शन में, कभी भी अपने विभाग में रेड डालने पहुंच जाते हैं बिल्कुल सिंघम स्टाइल में। लेकिन इसी बीच अब तेज प्रताप यादव के इस वीडियो को देखकर पूरे बिहार में सियासी खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश के मुलायम परिवार की तरह लालू प्रसाद यादव पर भी हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा अपने अलग अंदाज से राजनीति करते रहे। यही वजह कि तेज प्रताप यादव कभी भगवान शिव के भेष में नजर आते हैं तो कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में नजर आते हैं। शायद तेज प्रताप यादव देश के पहले ऐसे नेता हैं जो इस तरह से लोगों के बीच अपनी पहचान बना पाए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तूफान आ गया है। बिहार के वन मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वन विभाग की बैठक करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ये सिंघम स्टाइल में रील बनवाने लगे। इसके बाद इस रील को खुद अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया। इस वीडियो के आते ही बिहार में मानो आग लग गई। इस वीडियो को देखकर बीजेपी ने तेज प्रताप यादव को नौटंकीबाज मंत्री बता दिया है, लेकिन तेज प्रताप यादव को चाहने वाले लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि तेजू भैया को मंत्री नहीं अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तेज प्रताप यादव हमेशा वीडियो और रील बनाकर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तेज प्रताप को बिहार फिल्म उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर भी बना देना चाहिए। इससे पहले करीब 17 दिन पहले मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे थे, जहां मीटिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके जीजा शैलेश कुमार भी बैठे थे। बताया जा रहा कि शैलेंद्र कुमार खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। इसके बाद भी बहुत ज्यादा बवाल मचा था कि आखिर तेज प्रताप विभागीय बैठक में अपने रिश्तेदार को लेकर कैसे पहुंचे। कभी जिस तरह से देश भर में लोग लालू यादव को पसंद करते थे, उसी तरह से अब तेज प्रताप यादव की चर्चा तेजी से हो रही है। मंत्री बनने के बाद से तेज प्रताप यादव पटना जू से लेकर राजगीर सफारी तक निरीक्षण कर चुके हैं। कभी भी अपने विभाग में पहुंच जाते हैं, इसीलिए अधिकारी भी अलर्ट रहते हैं। लेकिन इस दौरान सबसे खास बात यह है कि हमेशा तेज प्रताप यादव अपनी रील और वीडियो बनवाते नजर आते हैं। तेज प्रताप यादव का एक खास अंदाज लोगों को पसंद भी खूब आता है। यही वजह कि इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं तेजू भैया ने तो इस बार गदर मचा दिया है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।